नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। सरकार अब तक 1.46 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। कर्नाटक में भाजपा की 23 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी, इनमें सिर्फ 2 महिलाएं शामिल, 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार, कहा भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों को जोड़ेंगे। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना है। राहुल बोले देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले भाषण पर दिल्ली में एफआईआर, विदेश और भारत के नागरिकों में दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगा है। शरद पवार उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर संजय राउत की सफाई, बोले महाराष्ट्र और देश में राजनीतिक डेवलपमेंट पर चर्चा हुई है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, टिकट न मिलने पर छोड़ी पार्टी। एक दिन पहले जारी हुई थी 189 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का दावा, बोले कई बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। सीएम एमके स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को लिखी पत्र, गवर्नर के लिए बिल मंजूरी की समय तय कर दी जाए। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता अजित पवार ने सीएम शिंदे और फरवरी से की मुलाकात, अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। नीतीश कुमार पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज, कहा लोग जानते हैं कि इन दलों की कोई सामान्य नीति या विचारधारा नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने डोकलाम को लेकर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी चीन से इतना क्यों डरते हैं। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील में 100 करोड़ की गड़बड़ी, केंद्र की रिपोर्ट पर राज्य सरकार का जवाब, पैनल ने हमारा पक्ष नहीं लिया। रिटायर्ड जज जस्टिस चलमेश्वर का बड़ा बयान, बोले कुछ न्यायाधीश आलसी होते हैं, कुछ अक्षम, कॉलेजियम आमतौर पर कार्यवाही नहीं करता। बटिंडा मिलिट्री स्टेशन में रेड अलर्ट, 4 जवानों को मारने वाले 2 संदिग्धों का सुराग नहीं, स्कूल बंद, कैंट में आने जाने पर रोक। मेरठ में सीमा प्रधान बनी सपा की मेयर प्रत्याशी, देर रात समाजवादी पार्टी ने मेरठ सहित जारी की 8 नामों की लिस्ट। सपा ने गोरखपुर से एक्ट्रेस काजल को उतारा 8 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से बंदरा मिश्रा को टिकट दिया गया है। हाथरस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन शुरू, भाजपा से 28, बसपा से 6, कांग्रेस से 3 और सपा ने 2 ठोकी है दावेदारी। सपा ने महापौर के लिए अजय श्रीवास्तव पर दांव लगाया है, 6 साल पहले बसपा छोड़कर थामा था सपा का दामन। कांग्रेस ने आशनी अवस्थी को बनाए मेयर प्रत्याशी, कानपुर दक्षिण से महिला कांग्रेस बुंदेलखंड जोन की महासचिव को उतारा।
गाजियाबाद में ऑनलाइन खेलने में 17 लाख हारा, डांट से बचने को युवक ने दी 6 लाख, लूट जाने की फर्जी सूचना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रांसपोर्ट मैनेजर को सरिया से पीट पीट कर मार डाला, कर्मचारियों को भी पीटा, बोले जबरन चोरी की बात कबूल करवाई। पत्नी की गोद में पति की मौत, सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में इलाज के इंतजार में तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा में कार के बोनट में बैठकर स्टंटबाजी, दो युवक बोनट पर बैठे, दो ने खिड़कियों से हरियाणवी गाने पर बनाई रील्स। आजम के करीबी यूसुफ का एनएसए रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देर रात किया गया रिहा, अपर नगर आयुक्त से कहा था तेरी हत्या करा दूंगा। बाराबंकी में बिरयानी में लेग पीस न मिलने पर बवाल, दुकान मालिक और सिपाहियों में जमकर मारपीट। प्रयागराज में ईडी की रेड, अतीक की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति मिली, 50 सेल कंपनियों के जरिए खपाई जा रही थी काली कमाई। गाजीपुर में भी बढ़ने लगे कोरोना के पॉजिटिव केस, अब तक मिले 7 संक्रमित, अलर्ट मोड में, स्वास्थ्य महकमा जांच का दायरा बढ़ाने का दावा किया। गिराई जाएंगी अग्निकांड में राख हुई 3 इमारतें, कानपुर में मसूद एआर हमराज कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट आईआईटी ने सौंपी। झांसी में सराफा व्यापारी से 83 लाख की लूट, दुकान बंद करके घर जा रहा था, 4 बदमाशों ने कनपट्टी पर तमंचा सटाकर बैग छीन लिया। बाइक सवार युवक ने युवती पर किया चाकू से हमला, भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा, मामला प्रेम प्रसंग का होना बताया जा रहा है। फर्जी पासपोर्ट संग बांग्लादेशी गिरफ्तार, दुबई से वापस लौट के आया था, लखनऊ में जांच शुरू। किशोरी से गैंगरेप के आरोपी की तलाश में दबिश, डॉक्टर के घर काम करने के दौरान मोबाइल चोरी का था आरोप। बांके बिहारी मंदिर के पास बैरिकेडिंग का विरोध, मथुरा में व्यापारियों ने देर रात की नारेबाजी, नगर निगम और पुलिस की टीम बैरंग लौटी। मथुरा जीआरपी ने 3 लुटेरों को पकड़ा है, ट्रेन में महिला यात्री का पर्स लूटा था, 4 लाख का सामान बरामद हुआ। आजमगढ़ 2 साल में पुलिस ने पकड़ा 30 क्विंटल गांजा, असम व ओडिशा के गांजे की पूर्वांचल में हो रही है तस्करी। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 75 पार, आगरा में स्मारकों में जुट रही पर्यटकों की भीड़, 18 दिन पहले मिला था पहला केस। सहारनपुर में 24 दिन में मिले 42 कोरोना संक्रमित, चौथी लहर में लापरवाह दिख रहे हैं लोग, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी नहीं दिख रहा अलर्ट। मथुरा में दोस्त ही निकला दोस्त का हत्यारा, आपसी रंजिश में गोली मारकर की थी हत्या, पुलिस मुठभेड़ में दोस्त घायल। बदायूं जामा मस्जिद मामले में अब 18 अप्रैल को सुनवाई, सिविल बार एसोसिएशन के हड़ताल के चलते नहीं हुई सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में 2 सोसाइटी के लिफ्ट में फंसे लोग, 2 हादसों में लिफ्ट में फंसे 10 लोग, 2 घंटे के बाद रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर।
सपा के मेयर प्रत्याशी होंगे डॉक्टर रघुवीर चौधरी। झांसी में पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके, देर रात सपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। बरेली में पुलिस की गाड़ी से हुई थी रिटायर्ड सैनिक की मौत, 4 माह बाद एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। देवरिया में भाजपाइयों ने चलाया स्वच्छता अभियान, आम जनमानस में स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। अमेठी में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 6 महिलाओं समेत 7 लोग घायल, चारा काटने को लेकर हुआ था विवाद। जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि कहा है, और साहस बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोले धामी, मिलेट की ब्रांडिंग से सभी राज्य मिलकर करेगा। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में फंसा विधायक का पेच, अगले 20 सत्र तक करना पड़ सकता है इंतजार। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान, बोली यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार, तीर्थयात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। उत्तराखंड में 3 दिवसीय मिलेट्स 2023 का सीएम ने किया शुभारंभ, क्षमता और अवसर के लेकर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना होगा अनिवार्य, परिवहन विभाग ने लिया ये फैसला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में 5,000 से अधिक व्यावसायिक वाहन होंगे संचालित, मार्ग पर रहेंगे 5 इंस्पेक्टर दल। उत्तराखंड में जंगल की आग से 2 युवकों की मौत, उत्तरकाशी में लापरवाही से आग की भेंट चढ़े 1,000 पेड़ पौधे। देहरादून पावंटा साहिब हाईवे के ग्रीनफील्ड में कुलहाड़ बॉर्डर पर यमुना नदी पर बनेगा 1.2 किलोमीटर लंबा नया पुल, 10 अंडरपास भी बनेंगे। चारधाम यात्रा में अधिक किराया वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई, हेल्पलाइन नंबर कर सकेंगे शिकायत। उत्तराखंड में 3 दिन में 3 गुना बढ़े संक्रमित, देहरादून में सबसे ज्यादा केस, 10% पहुंचा संक्रमण दर। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों का उल्लंघन करना होगा जुर्माना और सजा, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में एफआईआर से रिटायर बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, फर्श पर पड़ा मिला खून से लथपथ शव। उत्तराखंड में हाईवे पर कार और स्कूटी की टक्कर, जमकर हुई मारपीट, वीर बचाव करने आए होमगार्ड से भी नोकझोंक। उत्तराखंड में 5वें दिन बैराज में मिला आईएएस शिक्षक भाई का शव, राफ्टिंग के दौरान गंगा में हुए थे लापता। ट्रंप ने अपने वकील पर किया 4,000 करोड़ का केस, कहा भरोसा तोड़ा, कोहेन ने ही पॉर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में प्रिंस की फैमिली नहीं रहेगी, पत्नी मेगन बच्चों के बिना लंदन जाएंगे हैरी, रॉयल बालकनी में नहीं मिलेगी जगह।
ताइवान का उत्तरी एयर स्पेस बंद करेगा चीन। अमेरिका जापान की 17% फ्लाइट पर असर होगा। चीन ने फ्लाइट जेट्स को मिलिट्री डील की थी। डिफॉल्ट से बचेगा पाकिस्तान। सऊदी अरब के बाद यूएई भी मदद को तैयार। आईएमएफ ने रखी पहले दोस्तों से कर्ज लेने की शर्त। म्यांमार सेना ने भीड़ पर बम बरसाए। 100 की मौत और 20 मिनट तक हवाई फायरिंग करती रही सेना। इजराइल में डिफेंस मिनिस्टर की वापसी। 1 महीने पहले नेतन्याहू ने बर्खास्त किया था, लेबनानी हमले के बाद मजबूरन बुलाया। अमेरिका पर दिए बड़े बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथी होने पर मतलब जागीरदार होना नहीं। वर्ल्ड बैंक से रूसी संपत्ति जब्त करने की अपील। जेलेंस्की बोले रूस को आक्रामकता की चुकानी होगी कीमत। ब्रिटेन में भारतीय मूल के शख्स को 18 महीने की कैद। सोशल मीडिया पोस्ट पर किया था आपत्तिजनक वीडियो। उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल तो जापान में मचा हड़कंप। पीएम किशिदा बोले तुरंत जगह को खाली करें। पंद्रह महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई। मार्च में घटकर 5.66% पर आई। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट से घटी है महंगाई। गूगल ने ऑटो आर्काइव फीचर रोल को किया आउट। डिवाइस की स्टोरेज फुल होने पर भी ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे एंड्रॉइड यूजर्स। रियलमी नार्जो N55 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। 10,999 के इस फोन में मिलेंगे 1.20 लाख रुपए वाले आईफोन 14 प्रो के फीचर। वीवो Y16 और Y22 के नए वेरिएंट भारत में लॉन्च। 4G रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ 50 MP का कैमरा। कीमत 15,000 रुपए। 977 दिन बाद चांदी फिर 75,000 के पार। पहली बार 75,365 रुपए किलो तक पहुंचा भाव। फिर 74,940 रुपए पर बंद हुई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े पोस्ट हटाने पर बोले एलन मस्क। कहा मुझे मामले की जानकारी नहीं। भारत में सोशल मीडिया को लेकर काफी सख्त कानून। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन पर ईडी ने कसा शिकंजा। बिहार झारखंड के ठिकानों पर की गई है छापेमारी। भारत का स्मार्टफोन निर्यात पहुंचाया $11 अरब से अधिक। अश्वनी वैष्णव बोले हम ग्लोबल लीडर बनने की राह पर। IMF मीटिंग में सीतारमण का बड़ा बयान। कहा दुनिया भर में बढ़ते कर्ज संकट को दूर करने की जरूरत। IMF ने पाकिस्तान को दिया एक और बड़ा झटका। वित्त वर्ष 2024 में सिर्फ इतना रहेगा GDP ग्रोथ अनुमान। डीसी के डायरेक्टर ने टीम का किया बचाव। गांगुली बोली टीम में ज्यादा खिलाड़ी हुआ, हमें एक अच्छी टीम बनाने में समय लगेगा। कोहली ने बेटी को रेप थ्रेट देने वाले को किया माफ। बॉम्बे हाईकोर्ट से केस खारिज। पाक से हार पर IIT ग्रेजुएट ने दी थी धमकी। शूटिंग फिर पुराने फॉर्मेट में। ISSF ने नियम वापस लिए। 2020 के ओलंपिक के बाद बदले थे नियम। टॉप 2 शूटर्स के बीच होता था फाइनल्स।
रोहित शर्मा ने लिया तिलक वर्मा का इंटरव्यू। तिलक ने कहा, बचपन से सपना था कि आपके साथ बैटिंग करूं। धोनी ने हंगर गेकर की नो बॉल का उड़ाया मजाक। सीएसके के इवेंट में कहा, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। धोनी जडेजा की विस्फोटक साझेदारी के बावजूद घर में हारी सीएसके। राजस्थान ने 3 रन से हराए चेपाक में, 15 साल बाद जीते रॉयल्स। रिंकू सिंह ने यश दयाल को क्या मैसेज कहा, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, तुमने पिछले साल वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया था। आईसीसी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन को चुना मार्च का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। शाकिब ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 अर्धशतकीय पारियां खेली थी। कप्तान धोनी ने बल्लेबाजों के सिर फोड़ा हार का टिकरा। बीच के ओवर में डॉट बॉल खेलने पर लगाई क्लास। धोनी आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 200 मैच में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी। चेपक में हुए सम्मानित। नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस उत्तरा बावकर का हुआ निधन। 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, 1 साल से बीमार थी। तापसी ने साड़ी पहनकर स्विमिंग पूल पर लगाए गोते। शेयर किया वीडियो, यूजर्स बोले, आप तो जलपरी दिख रही हैं। मैच देखने पहुंची उर्वशी रौतेला नियॉन ग्रीन ड्रेस में दिखी गॉर्जियस। फैंस बोले, ऋषभ पंत के लिए आए हैं पर वो नहीं आए हैं। रवीना टंडन की बेटी ने शेयर किया फेयरवेल का वीडियो। राशा ने स्कूल के आखिरी दिन की दिखाई झलक, लिखा एक इमोशनल नोट। हम भाई हैं, मामला बंद कमरे में सुलझा लेंगे। 100 करोड़ मानहानि केस के बाद नरम पड़े नवाजुद्दीन के भाई। केडी डेविल के सेट पर घायल हुए संजय दत्त। बम विस्फोट का सीन शूट कर रहे थे, हाथ चेहरे और कोहनी पर आई है चोटें। आदि पुरुष एक्टर सनी ने प्रभास की तारीफ की, बोले वो सेट पर सभी का ध्यान रखते हैं, फिल्म का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है। जवान की शूटिंग के दौरान स्पॉट हुए शाहरुख खान। मुंबई वाली सीलिंग पर फरार डायरेक्टर एटली के साथ दिखे, नयनतारा करेंगे डेब्यू। सास बहू और फ्लेमिंगो में नजर आएंगे डिंपल कबाड़िया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी को मिला है ये ट्विस्ट। मेबेलिन की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी सुहाना खान, रेड सूट में लगी ग्लैमरस। बॉलीवुड डेब्यू से पहले मिल गया नया प्रोजेक्ट। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।